हेलो फ्रेंड्स, आपने सब वीडियो देख लिए होंगे और सभी मेथड भी क्लियर हो गई होगी। कुछ लोगों ने तो शायद बड़ी मुश्किल से याद किए होंगे, लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब पेपर आता है ना तो हम सब भूल जाते हैं। लगता है सब आता है, लेकिन जैसे ही गिनते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई करें, और फिर क्या होता है, जो आता है ना वो भी मिक्स हो जाता है, और फिर क्या, गई मछली पानी में, ऐसे ही देखते रहते हैं। तो हम रिस्क लेना नहीं चाहते दोस्तों। मैं आज आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दूंगा, यानी कि सारी मेथड और चैप्टर एक साथ रिवाइज हो जाए, और इसके रिलेटेड जितने भी सम हैं वो भी हम साथ में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ऐसे ही दूसरे दो पेपर अगले दो वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए और आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। और ये जो आपको मैं तीन पेपर देने वाला हूँ, वो तीनों पेपर आप अच्छी तरह से सॉल्व कर देना, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको दूसरे दो वीडियो है वो मिल सके दोस्तों। आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस अच्छे से मार्क्स ला सके। अगर ये सम गिनने के बाद आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो, या तो ये दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करना। मैं आपको एक के बाद एक जितने भी सम है वो सॉल्व करके दूंगा, और उसके रिलेटेड जितने भी सम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो अभी आपको सिर्फ एक काम करना है, आप भी एक पेन और बुक ले लीजिए, और जैसे मैंने यहाँ पे ये जो सम्स लिखे वैसे आप अपने बुक्स में लिखते जाइए। अगर आप चाहते हो तो पूरा पेपर एक साथ सॉल्व कर देना। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप एक एक क्वेश्चन देख के फिर अपने आप ट्राई करिए, लेकिन हाँ, एक बार अपने आप ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू दी है Z1 और Z2 की, और फाइंड क्या करना है, Z1 प्लस Z2 और उसका मोड। सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 अगर फाइंड करें तो ये दोनों का हमें ये एडिशन करना है, यानी कि 3 - 2i माइनस 2 प्लस 2i, ये दोनों का एडिशन करें हम तो ये 3 और 2 वो i के विदाउट i वाले टर्म हैं, तो ये दोनों का हम सीधा आंसर लिख दें, यानी कि 3 - 2 1 हो जाएगा। और ये जो i वाले दो टर्म हैं वो एक है माइनस 2i, दूसरा है प्लस 2i, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे होगा 0, यानी हमारा टर्म आएगा 1। तो हमें क्या करना है, उसका मोड फाइंड करना है। मोड कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, अगर मोड फाइंड करना है Z1 और Z2 का, तो हम Z1 प्लस Z2 की जितनी भी वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 1 और हमारा आंसर भी आएगा 1 दोस्तों। यहाँ पे ऐसे दूसरे सम भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कि अगर Z1 इक्वल टू दिया है 3 - 2i तो आपको उसका जेड बार फाइंड करना है दोस्तों। जेड बार यानी क्या होता है, ये जो i वाला टर्म होता है उसकी वैल्यू आप चेंज कर दो, यानी कि जो साइन है वो आप चेंज कर दो, तो वो जेड बार हो जाएगा। इसका जेड बार होगा 3 + 2i। दूसरा MCQ हमारे पास मोड जेड दिया है, जेड बार यानी कि 16 दिया है, तो अभी हमें जेड फाइंड करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जेड बार और जेड में क्या डिफरेंट है, तो सिर्फ जो आई वाला टर्म है उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है। मान लो कि हम एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लो कि हमारे पास जेड है 1 + 2i, तो उसका जेड बार क्या होगा, 1 - 2i। अब हम दोनों का मोड फाइंड करना चाहें, जेड और जेड बार का, तो क्या होगा, इसका मोड होगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 1 + 4, और इसी तरह यहाँ पे भी होगा 1 + 4, यानी दोनों आएंगे √5। यानी हमने मालूम कर लिया कि z और z बार दोनों का अगर मोड फाइंड करते हैं तो दोनों सेम आते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में z बार दिया है 16, तो जेड भी क्या आएगा, मोड जेड भी आएगा 16। अभी हमें फाइंड करनी है अंडर रूट -9 दोस्तों। अभी तक हमने देखा है कि ऐसे अगर सिर्फ √9 हो तो
तो हम लिख देते हैं प्लस और माइनस 3। ऐसे मान लो कि रूट 25 हो तो हम लिख देते हैं प्लस और माइनस 5। लेकिन जब माइनस आता है तो क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ हमें यहाँ पे पीछे आई लिख देना है। ऐसे ही अगर आपको कोई एक और सम है, मान लो कि यहाँ पे है माइनस 36, तो हम क्या लिखेंगे, 36 यानी कि प्लस और माइनस 6, और माइनस की जगह पर हम लिख देंगे आई। अब फाइंड करनी है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी कि एंगल। एंगल ज़्यादातर इस एंगल से फाइंड करते हैं हम, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। लेकिन जब भी यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई हो तो उसके आर्ग्यूमेंट ऑलवेज होती है जीरो। यानी कि हमें यहाँ पे मान लो कि दूसरी कोई वैल्यू दी गई हो आर्ग्यूमेंट 75, फिर भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो। यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू की आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हो जाएगी जीरो। अब दोस्तों हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग वन मोड एक्स, और फाइंड करना है एफ ऑफ 100। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है हमें साइन एक्स, और अगर हमें पूछा जाता है एफ ऑफ पाई बाई टू फाइन करना है या तो एफ ऑफ पाई बाई फोर फाइन करना है, तो हम यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, यानी यहाँ पे भी कर देंगे हम साइन पाई बाय फोर। तो ये होता है वन अपॉन रूट टू। इसी तरह हमारी वैल्यू में हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग वन बेस एक्स। अभी हमें फाइन करना है लॉग 100, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे x था वहाँ पे 100 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे दोस्त। लेकिन हमें पता है कि log 1 ऑलवेज क्या होता है, जीरो, तो हमारा आंसर होगा जीरो। फिर हमारे पास एक और इक्वेशन है लिमिट x टेंस टू जीरो x अपॉन साइन x। दोस्तों ऐसे दो इक्वेशन हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल टू भी जीरो होता, सॉरी वन होता है, और लिमिट x टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स वो भी होता है वन। अगर ये सम आपको थोड़े से कंफ्यूज करके पूछ ले तो ऐसे पूछ सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स क्या होगा। दोस्तों हमारे ये दो इक्वेशन है साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि जितना यहाँ पे एंगल है उतना ही यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो कि थ्री एक्स है, तो हम इसे थ्री से डिवाइड करेंगे और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इसका आंसर होगा वन, और वन इंटू थ्री इक्वल टू हो जाएगा थ्री। यहाँ पे हमें सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा वन। इसमें अगर आपको एक सम ऐसे दिया जाता है इक्वल टू ज़ीरो साइन थ्री एक्स अपॉन टेन टू एक्स, तो दोस्तों हमें पता है दोनों में हमें एक्स की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों को हम पहले एक्स से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स, और नीचे लिख देंगे टेन टू एक्स अपॉन एक्स। अभी यहाँ पे थ्री एक्स है तो मुझे यहाँ पे थ्री चाहिए, तो मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मुझे दो चाहिए तो मैंने यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें पता है ये दोनों तो हमारे इक्वेशन सेट हो गए हैं, यानी हमारा आंसर आएगा थ्री बाय टू। अब हमारे पास वैल्यू है वाई इक्वल टू साइन रेस टू 99 पाई बाय टू देन डीवाई बाय डी एक्स। दोस्तों डीवाई बाय डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे भी हमें कहाँ पे भी एक्स नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू का डीवाई बाय डी एक्स अगर हम फाइंड करें तो हमें पता है वो हो जाता है ज़ीरो। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता कि वाई इक्वल टू साइन रेस टू 99 एक्स, तो फिर हम सोचते कि किसके जैसा है, तो एक्स रेस टू एन जैसा है, तभी हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते, ये जो पावर में है वो हम आगे ला देते और उसकी एक पावर कट कर लेते, और फिर जिसके बराबर एक्स एज्यूम किया था उसका डिफ्रेंशिएशन साइड में कर देते, यानी कि साइन एक्स का हो जाता कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं दिया है, इसीलिए पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन होता है ज़ीरो। और अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है एक्स वाली, तो हमें एज्यूम करना होगा कि ये एक्स रेस टू एन जैसा इक्वेशन है, और फिर पता है कि जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है और उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, तो ये वाला आंसर आएगा। फिर हमारे पास ये तो सिंपल इक्वेशन ही है वाई इक्वल टू कॉट एक्स, देन फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स।
यहाँ पे दिया है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स और फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि दो बार डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। अगर पहली बार करें डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होगा, ई रेस टू एक्स ही होगा, और अगर दूसरी बार भी इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं फिर भी ये होगा ई रेस टू एक्स। यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू दी है और तीन वैल्यू दी है वो सब प्लस करके दिया है, तो हम सभी का जो नॉर्मली डिफरेंशिएशन होता है वो कर देंगे। एक्स स्क्वेयर का होगा 2x, 2 रेस टू एक्स का होगा 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई, और लास्ट में जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है यानी कि उसका हो जाएगा 0। अगर दोस्तों ये तीनों वैल्यू साथ में दी गई है तो फिर हम 2 रेस टू 2 कॉमन ले लेंगे, और जो एक्स स्क्वेयर इंटू 2 रेस टू एक्स है उसका u इंटू वी वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको दिया गया है इंटीग्रेशन में cos ax प्लस बी, तो हमें पता है cos x का क्या होता है, सॉरी i इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है cos ax प्लस बी। अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें तो cos x का होता है sin ax प्लस बी, लेकिन cos x का sin x होता है, ले x नहीं है, हमने यहाँ पे कुछ एज्यूम किया है, तो जो भी एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ज़्यादातर हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका d बाई डी एक्स पास में लगते हैं, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो हम नीचे लिखेंगे। अब मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें लिखा है ई रेस टू एक्स डी एक्स, लेकिन कुछ लिमिट दी गई है, कोई बात नहीं, अगर लिमिट दी गई है तो इसका ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे और यहाँ पे लिमिट की वैल्यूज रख देंगे। अब दोस्तों हमें पता है कि एक बार ये जो लिमिट है उसमें ऊपर वाली लिमिट लिखनी है, दूसरी बार नीचे वाली लिमिट की वैल्यू लिखनी है, तो ई रेस टू वन क्या होगा ई, और ई रेस टू ज़ीरो हो जाएगा वन, हमारा आंसर आएगा e माइनस वन। अब दोस्तों यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है उसमें हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, गुजराती में कक्षा और परिमाण कहते हैं। ऑर्डर यानी कि इसमें से कौन से टर्म का सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हमें पता है कि यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे एक ही बार हुआ है, तो जितनी बार ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2, और उसी ऑर्डर की कितनी पावर है यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारी डिग्री यानी कि परिमाण हो जाएगा 3। दोस्तों यहाँ पे चाहे 6 लिखा हो फिर भी हमें कौन से टर्म का देखना है, तो जिसका ज़्यादा ऑर्डर है उसी की पावर देखनी है, तो वो हो जाएगी डिग्री, और जितनी बार ज़्यादा डिफरेंशिएशन किया है वो हो जाएगा उसका ऑर्डर। यहाँ पे हमको फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि उसे IF बोलते हैं, और गुजराती में संकल्य कारक अवयव। कैसे फाइंड करते हैं, तो वो फाइंड करते हैं हम ई रेस टू इंटीग्रेशन में, यहाँ पे y के साथ जो भी वैल्यू है, यहाँ पे y के साथ है 2/x, तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर देना है, लेकिन ई रेस टू इंटीग्रेशन करके। अभी ई रेस टू यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे होगा 1/x dx इक्वल टू ई रेस टू 2। अभी 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। दोस्तों हमें एक इक्वेशन पता था कि अगर कोई भी टर्म दिया गया हो और ये दोनों अगर सही है यानी कि सेम है, तो ये पूरा निकल के यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है वो वाला हमारा आंसर होता था, तो यहाँ पे बेस में e होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो ये 2 को हम इस तरीके से लिखेंगे log x रेस टू 2 और e। अब ये दोनों सेम हो गए तो हमारा आंसर आएगा x रेस टू 2 यानी कि इसका इंटीग्रल फैक्टर होगा x रेस टू 2। दोस्तों MCQ का पोर्शन पूरा हो गया, आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए ताकि इसके रिलेटेड जितने भी MCQ आने वाले हैं वो आपको इजी तरह से आ जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जो ज़्यादातर सेकंड चैप्टर में से आते हैं। यहाँ पे आपको f(x) की वैल्यू दी गई है और प्रूव करना है कि f(x) इंटू f(1/x) इक्वल टू 1। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखनी है,
तो आपको सिर्फ यहीं पे फोकस करना है कि कौन सी दो वैल्यू मुझे चाहिए। एक तो चाहिए एफ ऑफ एक्स, वो ऑलरेडी दिया है, कितना है ए प्लस बी एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। दूसरी वैल्यू मुझे चाहिए एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। एफ ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होगा, तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे मुझे रख देना है वन अपॉन एक्स। तो क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन एक्स और बी प्लस ए अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि ए एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बी अपॉन एक्स, और ऐसे ही नीचे बी के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा प्लस ए और अपॉन में आएगा एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए। दोस्तों मुझे दो वैल्यू की ज़रूरत थी, दोनों मुझे मिल गई हैं, तो बस मुझे अब सिर्फ इक्वेशन ही लिखना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू ये होगा ए प्लस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए एक्स इंटू ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए। दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा वन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू होगा वन। अब ये जो लिमिट का सम है उसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन हमें पता है यहीं से हम देख सकते हैं कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस वन, ये इसका एक फैक्टर होगा। तो दोनों में से ये फैक्टर कॉमन होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करना है कि हम लिमिट की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखे तो ये ज़ीरो होता है या नहीं होता। मान लो कि हम यहाँ पे वन लिखते हैं तो वन का स्क्वायर होगा वन, वन माइनस वन हो जाएगा ज़ीरो। अगर ज़ीरो हो जाता है तो भी हमें फैक्टराइजेशन करना है, अदरवाइज सीधी ये वैल्यू ये सब में रख देनी है। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये जो दोनों टर्म है उसमें से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वन, और दूसरे में से कुछ कॉमन नहीं है तो मैं सिर्फ वन को निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वन। नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है उसके दो फैक्टर हो गए, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अभी लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहाँ पे से मैं कॉमन लेता हूँ एक्स माइनस वन तो दूसरा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे ऑलरेडी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन था। अभी एक्स माइनस वन निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे फिर से हम चेक कर लेंगे ये लिमिट की वैल्यू यहाँ पे रख के, तो अगर यहाँ पे वन रखे तो नीचे जीरो नहीं होगा, तो सीधी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी कि वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी कि हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी कि टू अपॉन टू इक्वल टू वन। दोस्तों अभी एक और एग्जांपल है, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स। आप थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हो कि इसमें कौन सी मेथड आएगी, और अगर आपको आता है तो जस्ट वीडियो पॉज करके आप गिनना स्टार्ट करें, बाद में एक बार कंफर्म कर लेना कि यही मेथड थी या दूसरी। और अगर नहीं आता है तो देखिए फिर यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे मैंने लिखा है फोर एक्स, एक बार मैं माइनस कर रहा हूँ दूसरी बार प्लस वन किया अपॉन एक्स। अब लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो उसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ, फोर रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। दोस्तों आपको पता है अगर ऐसा ही एक इक्वेशन है कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एच टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पे ए रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच, अगर ये दोनों सेम है और लिमिट भी सेम है तो इसका आंसर आता है लॉग ए। तो हमें पता है यहाँ पे दोनों को हम लिमिट दे देते हैं, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो फोर रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो फोर रेस टू एक्स माइनस वन, सॉरी यहाँ पे थ्री रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग फोर माइनस, इसका आंसर हो जाएगा लॉग थ्री।
कहाँ से होगा, तो आपको साइड में ये वाला इक्वेशन लिख देना है। अभी यहाँ पे अगर माइनस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं log 4 अपॉन 3। अभी क्वेश्चन दो का जो ऑप्शन में आता है और करके, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, दो वैल्यूज़ मुझे फाइंड करनी है, एक बार दोनों का एडिशन करना है, दूसरी बार सब्सट्रैक्शन करना है। तो एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अगर यहाँ से मैं एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स फाइंड करता हूँ तो वो होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। दोनों एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी मुझे मिलेगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो दोनों की वैल्यू मेरे पास है, ये दोनों का एक बार एडिशन करना है। तो हम पहले वाला ये सॉल्व करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी मेरे पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। दोस्तों दोनों की नीचे की वैल्यू सेम है, तो हम इसका एलसीएम ले ले तो ऊपर वाले टर्म का सीधा सम हो जाएगा, वो होगा इतना। अभी एक्स एक्स और 1 1 कैंसिल हो जाते हैं, तो 0 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, यानी हमारा आंसर आएगा 0, जो हमें प्रूव करना था। इसी तरह अगर दोनों का सब्सट्रैक्शन करें तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स ये कितना होगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये मैंने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यूज रखी है। दोनों के नीचे तो टर्म सेम है, तो ऊपर वाले का सीधा एडिशन कर लेते हैं, माइनस 1 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो ये वाला आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 2 होता है, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x होता है। अगर ऊपर से हम 2 कॉमन निकालें तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स, और नीचे होगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू, अभी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वो तो हमें पता है, ये क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स। तो इसी तरह हमें प्रूव कर देंगे। यहाँ पे दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन एक्स क्यूब। दोस्तों एक इक्वेशन आपको यहाँ पे याद रखना होगा साइन 3x का, वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये इक्वेशन इसमें रखना है, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 3x की जगह 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और नीचे वाला ऐसे ही। दोस्तों याद रखना, जब भी आप इक्वेशन लिखते हो आगे माइनस है तो ये पूरा इक्वेशन ब्रैकेट में लिखना, ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। अभी लिमिट एक्स टेंस टू 0, अभी हम काउंट्स को छोड़ देते हैं, यानी कि होगा 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इतना बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो और साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि ये दोनों एंगल सेम हो, तो इसका आंसर 1 आता है। तो यहीं पे साइन क्यूब एक्स है, तो नीचे भी हमें एक्स क्यूब ऑलरेडी दिया है, तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 1, यानी कि 4 कहाँ से आया, तो आपको एक इक्वेशन साइड में लिख देना है। भी और एक एग्जाम्पल है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रेस टू एक्स। दोस्तों थोड़ा बहुत याद करो कि कोई ई वाला आंसर आता था क्या। हमें पता है अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और एक्स, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो भी दिया है उसका उल्टा अगर यहाँ पे आता है, तो उसका आंसर लिख देते हैं हम ई। यहाँ पे थोड़ा सा सोचो दोस्तों, यहाँ पे x दिया है मुझे क्या चाहिए 1, और यहाँ पे 1 दिया है मुझे क्या चाहिए 1 अपॉन x। तो अगर इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा
एक्स को एक्स से डिवाइड करते हैं, यानी कि सभी को एक्स से ही डिवाइड कर लेंगे, रेस टू एक्स। अभी क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ऊपर देखे तो ये वन प्लस वन अपॉन एक्स, और नीचे देखे तो वन माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा एक्स। अभी दोनों को मैं अलग अलग तरीक़ों से लिख देता हूँ, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लिखते हैं वन प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू एक्स, और नीचे लिखेंगे वन माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू एक्स। इसको भी एक लिमिट दे देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अभी देखो दोस्तों, ऊपर वाला वन अपॉन एक्स था तो यहाँ पे तो एक्स आ गया, लेकिन नीचे माइनस वन अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे भी हमें चाहिए माइनस एक्स। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर भी हमें माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसका आंसर आएगा ई, और नीचे वाला जो टर्म है उसका आंसर आएगा ई रेस टू माइनस वन, क्योंकि ये वन हो जाएगा और रेस टू है माइनस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन। अब ये जो माइनस वाला है वो ऊपर ले जाएंगे, यानी कि हो जाएगा ई रेस टू टू। अब क्वेश्चन थ्री स्टार्ट करते हैं, जो डिफरेंशिएशन में आता है। यहाँ पे हमें दिया गया है y इक्वल टू log e रेस टू साइन एक्स। दोस्तों ये जो प्रूव करने वाले सम है उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे जितना भी बोला है, मान लो कि dy बाई डी एक्स बोला है, तो आप एक बार dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, आपका आंसर आपको करीब दिखेगा। अगर यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन करने को बोला है तो आप दो बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, आपको आपका आंसर दिख जाएगा। अभी यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स फाइंड करें तो पहले तो हम यकीन करते हैं किसके जैसा है, तो ये log x जैसा, log x का होता है 1 अपॉन x, फिर जिसके बराबर x एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन हम साइड में कर लेंगे, इक्वल टू ये होगा 1 अपॉन e रेस टू साइन x। अब e रेस टू x जैसा है तो e रेस टू x का होगा e रेस टू x, और जिसके बराबर x एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन फिर से साइड में करेंगे, इक्वल टू अभी ये ई रेस टू साइन एक्स, ई रेस टू साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये मिला के हो जाएगा वन इंटू कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स। दोस्तों अभी आप देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिला है कॉस एक्स, और यहाँ पे प्रूव क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कॉस एक्स को मैं इस ओर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब मेरे पास है dy by dx इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो हम यहाँ पे u इंटू v वाले मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि dy by dx इक्वल टू पहले वाले को ऐसे रखते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाला ऐसे ही रखेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, प्लस यहीं पे log x ऐसे रहने देंगे, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। यहाँ पे हम अच्छी तरह से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू एक्स स्क्वायर, थ्री को मैंने आगे ले लिया है, अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे x स्क्वायर, तो अंदर इतना बचेगा 1 इंटू 3 log x। यहाँ पे मुझे दिया है y इक्वल टू x रेस टू x। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसके बराबर t एज्यूम करें तो फिर से tt हो जाएगा, या अगर u एज्यूम करें तो uu हो जाएगा, तो ये वाले सम में आपको दोनों साइड log ले लेना है, यानी कि log y इक्वल टू log x रेस टू x। अभी क्या होगा, log y इक्वल टू अभी जो पावर में है उसे मैं आगे ले आता हूँ, यानी कि log x। अब हम सिंपली log y का क्या होता है 1 अपॉन y, और जहाँ पे भी y का डिफरेंशिएशन करते हैं पास में हम लिखते हैं dy by dx। अभी यहाँ पे u इंटू v वाले मेथड, u यानी कि x ऐसे ही, log x का मैं सीधा ही कर देता हूँ 1 अपॉन x, दूसरी बार log x को ऐसे ही रहने देते हैं और x का हो जाएगा 1। अभी x x कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन y dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे बचा है सिर्फ 1 और यहाँ पे बचा है log x।
दोस्तों अभी ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, वाई को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू, अभी ये वाई की जगह में एक्स रेस टू एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वन प्लस लॉग एक्स। दोस्तों आप याद रख लीजिए कि एक्स रेस टू एक्स का डी वाई बाई डी एक्स होता है एक्स रेस टू एक्स ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स। अगर ये एम सी क्यू में आता है, अगर आपको याद होता तो आपको पूरा सम सॉल्व नहीं करना होगा, आप सीधा ये वाला आंसर लिख सकते हो। दोस्तों ऐसे तीन या चार सम आते हैं, वो भी आप इसी तरह से सॉल्व कर देना है, y इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स, इसी तरह दूसरा है टेन एक्स रेस टू एक्स। तो ये सभी सम है कि जहाँ पे अगर एक्स एक्स वाली वैल्यू कॉमन आती है तो आपको ये लॉग वाली वाली जो मेथड है लॉग वाली उसे सॉल्व करना है। अब ये x और y मिक्स में आते हैं वो वाले मेथड है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब का होता है थ्री एक्स स्क्वेयर, उसी तरह के y क्यूब का होगा थ्री वाई स्क्वेयर, लेकिन जहाँ पे y का किया वहाँ पे हम लिखेंगे d बाई डी एक्स, यहाँ पे थ्री कॉन्स्टेंट है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तब फिर से u इंटू वी वाली मेथड, यानी कि x ऐसे ही y का हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं हम y प्लस वाई ऐसे रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अब ये तीन कॉमन है तो मैं निकाल लेता हूँ, तो इतना बचा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी x ऐसे ही रहता है, y का वन हो जाता है, लेकिन जहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं वहाँ पे हम उसको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसे रहेगा, यहाँ पे x का हो जाएगा वन। अभी जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, ये दोनों को, एक तो ऑलरेडी है ही, यानी कि वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, अब ये माइनस हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे था वाई और ये एक्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ से मैं अगर डी वाई बाय डी एक्स कॉमन निकालूँ तो ब्रैकेट में बचेगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे है वाई माइनस एक्स स्क्वेयर, और फाइनली मेरा आंसर मुझे ऐसे डी वाई बाय डी एक्स कैसे मिलेगा, तो ये वाई माइनस एक्स स्क्वेयर था और इसे मैं इसके नीचे ले जाऊँगा, यानी कि इसके नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स। दोस्तों ऐसा कोई भी सम आए, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई, कोई भी ऐसे मिक्स में सम आते हैं, दूसरा अगर ऐसा आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई, फिर एक ऐसे है एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, ये सभी सम आपको यही मेथड से सॉल्व करने हैं। अब फिर से एक सम को हमें प्रूव करना है, यहाँ पे दिया है y इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स और डी स्क्वेयर वाई। अब देखो क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ कि अगर मेरा y है ई रेस टू टू एक्स तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स होगा, अब ये ई रेस टू एक्स जैसा है तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और जिसके बराबर x एज्यूम किया था उसका हो जाएगा 2। दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन में फाइंड करूंगा, 2 तो कांस्टेंट में था, अभी ये ई रेस टू टू एक्स का होगा ई रेस टू टू एक्स और जिसके बराबर एक्स एज्यूम किया था ये 2x का फिर से होगा 2, यानी कि ये सब मिला के होगा 4 इंटू ई रेस टू टू एक्स। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वो मुझे यहाँ पे देख के सेट करना है, तो ये ई रेस टू एक्स यानी कि y है, तो y इंटू यानी कि 2y लिख सकता हूँ मैं, 2 का 2 और इसकी जगह पे y, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 का 4 और ई रेस टू टू एक्स का y। अब ये सभी वैल्यू मुझे इसमें पुट कर देनी है, तो यहाँ पे लिखना है therefore d square y upon dx square minus dy by dx minus 2y equal to, अब ये d square y upon dx square की वैल्यू मुझे क्या मिली थी 4y, माइनस dy by dx क्या मिला है मुझे 2y, और इक्वेशन में ऑलरेडी 2y है तो ये सब मिला के हो जाएगा 4y minus 2y minus 2y यानी कि 4y equal to ये हो जाएगा 0। यहाँ पे मुझे s की वैल्यू दे रखी है, मुझे फाइंड करना है v यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, गुजराती में इसे बोलेंगे वेग और प्रवेग। तो दोस्तों ये सम सबको ऐसा लगता है कि मुझे आता है लेकिन
लिखने का तरीका नहीं आता, तो कैसे फाइंड करते हैं? एस ऑलरेडी दिया है, हमें फाइंड करना है वी। इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी टी स्क्वेयर, यानी कि इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? ये होगा 60 स्क्वेयर प्लस 3 2 60 माइनस 12। अब क्या लिखना है? मुझे फाइंड करना है वी, लेकिन कब? टी बराबर ज़ीरो हो तब। तो यहाँ पे मैं ऐसे स्पेसिफाई करके लिखूँगा कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो वी इक्वल टू, ऐसे करके फिर वी इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी टी है मुझे वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू रख देनी है, यानी कि 6 यहाँ पे ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 6 यहाँ पे ज़ीरो माइनस 12, यानी कि मेरा वी हो जाएगा माइनस 12 मीटर पर सेकंड। अब मुझे फाइंड करना है ए, तो ए यानी कि क्या? ए यानी कि होता है डी एस अपॉन डी टी स्क्वेयर, यानी कि ये जो वैल्यू मिली थी मुझे वेलोसिटी की, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा? 12t प्लस 6। अब यहाँ पे t इक्वल टू 1 मेरा ए क्या होगा? तो ए हो जाएगा, यहाँ पे टी की जगह पे क्या रख देना है? 1, 12 ब्रैकेट में 1 प्लस 6। अब ये कितना होगा? ये मिला के हो जाएगा, यहाँ पे होगा 12 और प्लस 6, ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मुझे मिल गया है ए। दोस्तों अब क्वेश्चन 4, जो कि इंटीग्रेशन में ऐसे आता है, ये हम सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू मुझे दिया है इंटीग्रेशन में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अभी यहाँ पे दो टर्म है, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर जैसा इक्वेशन है, तो इसका पता है हमें क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ये अगर हम एक्सपांड करें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2 प्लस, हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इक्वेशन नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे एक्स रेस टू माइनस 2 dx। अब सिंपली हम जो इक्वेशन है उसके मुताबिक हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस इसका होगा 2x और इसका होगा एक्स रेस टू, इसमें दो में हमें एक ऐड किया तो 3 हो गया, अगर माइनस दो में हम एक ऐड करते हैं तो होगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। और फाइनल आंसर हम लिख देंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x, यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स रेस टू 1 था उसको मैं नीचे ले जाता हूँ प्लस सी। अब ये वाली मेथड आपको पता होगा कि किसी का डिफरेंशिएशन अगर पास में दिया गया हो, यानी कि यहाँ पे दिया गया है साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स। तो मैं साइन एक्स की जगह पे कुछ एज्यूम कर लूँगा, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है यू। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। ये दोनों वैल्यू मुझे इसमें रख देनी है, यानी कि ई रेस टू साइन एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा? यू। और ये जो कॉस एक्स डी एक्स है उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा डी यू। बस अभी सिंपली ई रेस टू यू का क्या होता है? ई रेस टू यू प्लस सी। अब ई रेस टू यू इक्वल टू क्या एज्यूम किया था मैंने? साइन एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन एक्स प्लस सी। दोस्तों सिर्फ ये 3 स्टेप के आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन कब? जब आपने एक बार ऐसे सम सॉल्व किए होंगे तब आप आसानी से ये सम सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है कि किसी एक टर्म का डिफरेंशिएशन अगर पास में दिया हो तो उसके बराबर आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए और ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, आप 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब जैसे डिफरेंशिएशन में यू इंटू वी वाली मेथड थी, ऐसे ही यहाँ पे मेथड दिया है। क्या करना है इसमें? यू इंटू वी एज्यूम कर लेना है और फिर यू इंटीग्रेशन में साइन एक्स माइनस, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करेंगे और ब्रैकेट में डी बाय डी एक्स करके ये वाला टर्म लिख देंगे, यानी कि एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स डी एक्स और डी एक्स। फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ मैं, एक्स इंटीग्रेशन में साइन एक्स माइनस,
यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन में एक बार डी बाई डी एक्स लिखना है और ये पूरी वैल्यू फिर से यहाँ पे रख देनी है। अगर ये सोल्व करें तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, मैंने माइनस आगे लिख दिया है माइनस, अभी ये वाला ऐसे ही रखना है। अभी ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का हो जाएगा वन और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तब इसको हम लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इंटीग्रेशन में बचेगा कॉस एक्स डी एक्स। अभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब हम इसको अच्छी तरह से अरेंज करें तो ये प्लस वाला टर्म मैं पहले लिख देता हूँ, यानी कि साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। अब ये जो मेथड है मैंने ऑलरेडी वो मेरे वीडियो लेक्चर में दे रखी है कि ऐसे कोई भी सम आता हो साइन कॉस टेन कॉसेक, यहाँ पे अगर जीरो और पाई बाई टू दिया है तो आपको एक ही मेथड लिखनी है। ये आई दिया है यहाँ पे ज़ीरो पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। क्या करना है दोस्तों, जिन्होंने एक बार वीडियो देखे उनको पता होगा ज़ीरो से पाई बाई टू जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लिमिट माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई टू माइनस एक्स। ऐसे ही हम सभी जगह लिख देंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू सॉरी प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। ये कहाँ से लाए हम, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, अगर लिमिट होती है ज़ीरो से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ये वाला इक्वेशन लिख देना है। अभी अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा, कॉस पाई बाई साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाता है कॉस एक्स, और यहीं पे भी ऐसे इस तरह साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। तो मेरे पास आई की दो वैल्यू है, एक ये वाली और एक ये वाली। दोस्तों अगर मैं दोनों का एडिशन करूं तो आई प्लस आई इक्वल टू ज़ीरो से लेके होगा पाई बाय टू। अब देखो दोनों की नीचे की वैल्यू सेम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर वालों का सीधा सम हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, आई आई हो गए टू आई, टू आई इक्वल टू होगा ज़ीरो से पाई बाय टू और यहाँ पे बचेगा सिर्फ वन डी एक्स। अभी पता है हमें दोस्तों वन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन का होता है एक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई बाय टू और ज़ीरो, अभी टू आई एक्स की जगह मैं रख देता हूँ पाई बाय टू। अब आई इक्वल टू ये दो है वो मैं नीचे ले जाऊँगा यानी कि हो जाएगा पाई बाय फोर। दोस्तों ऐसे जितने भी सम हैं वहाँ पे एक ही आंसर मिलेगा मुझे, आई इक्वल टू पाई बाय फोर। अब ये वाला सम हमने एक अगली मेथड में जो देखी ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला उसके जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे लिमिट की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे पता है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, तो मैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू यू एस जूम कर लेता हूँ, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू डी यू। अब क्या होगा यहाँ पे, ज़ीरो से लेके वन टेन इनवर्स एक्स बराबर तो मैंने एज्यूम किया था यू, और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर है उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा डी यू। अब ये मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ मुझे यू का इंटीग्रेशन करना है, यू का इंटीग्रेशन होगा यू स्क्वेयर अपॉन टू, एक बार लिमिट लिखनी है वन की दूसरी बार ज़ीरो की। अब यू इक्वल टू मैंने क्या एज्यूम किया था टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख देखता हूँ टेन इनवर्स एक्स का स्क्वेयर दो, अब यहाँ पे एक बार वन लिखना है दूसरी बार ज़ीरो, हमें पता है टेन इनवर्स यहाँ पे लिखते हैं वन उसका स्क्वेयर करना है
और नीचे लिख देना है दो। दूसरी बार हम ज़ीरो की वैल्यू रखेंगे वो तो ज़ीरो हो जाने, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स वन होता है पाई बाय फोर, तो उसका स्क्वायर और नीचे आएगा दो, तो यहाँ पे होगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 डिवाइड बाय टू, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, पाई स्क्वायर अपॉन 32। यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया वाला जो सम है उसका इक्वेशन ऐसा है, ए से लेके बी और यहाँ पे लिखना है वाई डी एक्स। अब ये तीन वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू दे रखी होगी और दूसरी जो वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पे दी होगी। अब वाई इक्वल टू, सॉरी पहले तो दो लिमिट लिख देते हैं, बड़ी लिमिट ऊपर लिखनी है, छोटे वाली नीचे लिख देंगे और यहाँ पे जो वाई की वैल्यू थी वो लिख देंगे। अभी हमें पता है एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ऊपर वन लिमिट लिखनी है, टू नीचे वन। अब ये वन अपॉन थ्री तो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अभी एक्स की जगह एक बार ऊपर की लिमिट, दूसरी बार नीचे की लिमिट, इक्वल टू वन अपॉन थ्री, टू रेस टू क्यूब होता है एट माइनस वन, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री, एट माइनस वन होगा सेवन, यानी कि सेवन अपॉन थ्री यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सम आप एक बार देख के, ये जो मैंने ऐसे ही सम लिखे थे वैसे आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर से एक बार वीडियो देख के ट्राई कर लीजिए। आपको सिर्फ आपका आज का दिन ही इन्वेस्ट करना है। आप देख सकते हो कि हमने 45 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, तो ऐसे ये किया दो घंटे इसका रिवाइज करके आप ये पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। दूसरे दो वीडियो के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आपने मैथ्स टू में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है फिर भी आप ये तीन पेपर सॉल्व करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। थैंक